स्टार्ट कर दें। ओके सुनो, अभी नेक्स्ट चैप्टर देखो अपना क्या, कैपिटल गेन्स। अब देखो कैपिटल गेन्स का चैप्टर ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स का बेसिक कंडीशंस एंड कंप्यूटेशन। बेसिक कंडीशन एंड कंप्यूटेशन मतलब व्हेन टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स एंड हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स। ओके, एंड फिर सेक्शन वाइज पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब सेक्शन वाइज पढ़ने में इन लोग ने CA इंटर में सारे सेक्शंस कैपिटल गेन्स के नहीं रखे, लेकिन जितने भी सेक्शन है वो अपने को पढ़ने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ओके, तो उसी पहले मैं चालू कर रहा हूँ, बेसिक कंडीशंस एंड कंप्यूटेशन। इधर मैंने क्या बोला, क्या पढ़ना अपने को, व्हेन टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स एंड हाउ टू कंप्यूट। तो उसी इसके लिए मैं ना ये फ्लो चार्ट से बता रहा हूँ। ये देखो, इधर अपने को मालूम पड़ेगा व्हेन टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स, एंड फिर इधर अपने को मालूम पड़ेगा हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स। ओके, तो सी व्हेन टू कंप्यूट मतलब उसके लिए कंडीशन है, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना तो ही कैपिटल गेन्स कंप्यूट होता है। पहली कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। फिर दूसरी कंडीशन है देयर मस्ट बी ट्रांसफर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना तब कैपिटल गेन्स कंप्यूट होता है। तो ये था व्हेन टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स। फिर हाउ टू कंप्यूट बाद में है, पहले इसको अच्छी तरह करना पड़ेगा। तो सी वेन टू कंप्यूट में पहला कंडीशन क्या, देयर मस्ट बी कैपिटल असेट। अब कैपिटल असेट मतलब क्या होता है, ऐसा एसेट जिसमें कमाने का पावर होना चाहिए। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ सब एसेट्स कैपिटल असेट होते हैं क्योंकि हर एसेट में कमाने का पावर होता है। लेकिन देर आर फाइव आइटम्स विच आर एक्सक्लूडेड, देर आर फाइव आइटम्स विच आर एक्सक्लूडेड। देखो इधर लिखा हुआ है मिसिस GS, एक कीवर्ड है। मिसिस GS में जो एसेट्स है ना उसको गवर्नमेंट कैपिटल असेट ट्रीट नहीं करती है, और वो कैपिटल असेट ही नहीं है तो उसमें कैपिटल गेन्स नहीं आएगा। ओके, सी मिसिस GS क्या होता है, लुक हियर, मिसिस GS में तो लिखा हुआ है मूवेबल पर्सनल एसेट, दीज आर नॉट कैपिटल असेट। मतलब घर में TV है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इसको गवर्नमेंट कैपिटल असेट नहीं बोलती है क्योंकि इनमें कमाने का पावर नहीं है, ना इनमें कमाने का पावर है, ना इनको कमाने के इरादे से लिया है। इसे जो घर में जो सामान पड़ा ना, फ्रिज, TV, वॉशिंग मशीन, उसको गवर्नमेंट कैपिटल असेट नहीं बोलती है, यानी कि इनको बेचा तो कैपिटल गेंस नहीं आएगा। लेकिन सी हर मूवेबल पर्सनल एसेट कैपिटल असेट नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ये देखो, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस। इधर नीचे जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये आइटम्स क्या है, मूवेबल है, पर्सनल है, बट फिर भी इसको गवर्नमेंट कैपिटल से ट्रीट करके इस पर कैपिटल गेंस कंप्यूट करवाती है। तो उसमें क्या क्या है, ज्वेलरी, ओके, फिर डप्सा, डप्सा का मतलब ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, मतलब आर्टिस्टिक चीज़ है। फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुराने ज़माने की एंटीक चीज़ें जो हम संभाल के रखते हैं वो। तो ये तीन चीज़ें ना अपने पर्सनल लाइफ के मूवेबल एसेट है, लेकिन बिकॉज इनमें कमाने का पावर है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसको तो हम कैपिटल असेट मानेंगे। ओके, किसको, ज्वेलरी, डप्सा एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। इसके अलावा घर का कोई भी सामान हुआ ना, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर मूवेबल पर्सनल एसेट के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि वो कैपिटल असेट नहीं है और उसमें कैपिटल गेंस नहीं आएगा। ओके, बट वो एक्सेप्शन याद रखना, ज्वेलरी, डप्सा एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इज आर, आर फॉर मिसिस GS है ना, तो उसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ। आर क्या है, रैली, रैली मतलब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को भी गवर्नमेंट कैपिटल से नहीं ट्रीट करती है क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देना चाहती है। डैट मीन्स अगर किसी किसान ने अपना खेत बेचा तो खेत बेचने के ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स नहीं आएगा, इससे क्या किसानों को थोड़ा बेनिफिट मिलता है। ओके, लेकिन वो रूरल एरिया में खेत होना चाहिए, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर वाला खेत, वो भी इंडिया में होना चाहिए। तो उसे क्या क्या याद रखना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, तो कैपिटल गेंस नहीं आएगा। फिर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड को भी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, देखो ये कैपिटल असेट नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड बेच के तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आता है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब वो ये वो चीज़ है जिसका मेरा बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़मीन,
सोना चांदी ये कैपिटल असेट होता है, लेकिन अगर इसको मैंने अपना धंधा ही बना दिया तो मेरे लिए गुड्स के बराबर हो गया ना, फिर उसको बेच के तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा और वो अलग चैप्टर है। इससे स्टॉक इन ट्रेड को गवर्नमेंट कैपिटल असेट नहीं ट्रीट करती है क्योंकि उससे अलग हेड क्रिएट होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर ये देखो गोल्ड बॉन्ड्स और स्पेशल बेरर बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स एक्चुअली कैपिटल असेट होता है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड्स है ना गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है ना, और गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक रूल बनाई है कि हमारे बॉन्ड्स में पैसा डालोगे तो उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, डैट में उसको कभी बेचना पड़ा तो उसमें कैपिटल गेन नहीं आएगा, टैक्स भी नहीं आएगा। ये जानबूझ के ऐसा रूल रखा है ताकि गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बना सके। ओके, और अट्रैक्टिव बन गया ना, इसमें कैपिटल गेंस नहीं आएगा। तो बस अपने को ये पांच चीज़ याद रखनी है, ये पांच चीज़ पे कैपिटल गेंस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मूवेबल पर्सनल एसेट्स था विद द एक्सेप्शन ऑफ ज्वेलरी, डब्सा एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जिसमें कैपिटल गेंस आता है, फिर मूवेबल पर्सनल एसेट के बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, स्टॉक इन ट्रेड, गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेशल बेरर बॉन्ड्स। ओके, तो सी हियर, ये देखो ये फ्लो चार्ट पे ध्यान देना, मिसेस जीएस के अलावा बाकी सब एसेट्स को गवर्नमेंट कैपिटल एसेट ट्रीट करती है। फिर कैपिटल एसेट के पड़े पड़े गेन नहीं होता है, उसको बेचना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि बेचो, ट्रांसफर करो, क्योंकि बेचना एक बहुत लिमिटेड टर्म हो जाता है, बेचना मतलब सेल। लेकिन सी कैपिटल गेन सेल के अलावा दूसरे ट्रांजेक्शन में भी आता है, इसे लॉ ने ही नहीं बोला कि बेचो, क्योंकि बेचो करके बोलते हैं ना तो कैपिटल गेंस खाली सेल तक ही सीमित हो जाता, लेकिन तुम लोग खुद नोटिस करोगे कैपिटल गेंस सेल के अलावा दूसरे ट्रांजेक्शन में भी आता है, इससे लॉ ने सेल वर्ड यूज नहीं किया है, क्या लिखा है, ट्रांसफर होना चाहिए। और ट्रांसफर मतलब चेंज इन ओनरशिप, जब अपनी चीज पराई हो जाती है ना, ओनरशिप चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। और ट्रांसफर के लिए गवर्नमेंट ने ना ये देखो 6 ट्रांजेक्शन्स दिया है, ये उसका कीवर्ड है सरक, 6 ट्रांजेक्शन्स दिए है, इन 6 ट्रांजेक्शन्स को गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये हम लोग के लिए ट्रांसफर है, और ऐसा कभी हुआ तो कैपिटल गेंस कंप्यूट करके टैक्स बढ़ने का। और वो 6 ट्रांजेक्शन की लिस्ट देखो क्या है, ये देखो 6 ट्रांजेक्शन ना, कीवर्ड क्या था, सरक टू। ओके, सरक टू में देखो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, एस। एस का मतलब सेल ऑफ कैपिटल असेट, एस मतलब सेल ऑफ कैपिटल असेट, मतलब कैपिटल असेट की सेल हुई तो कैपिटल गेंस आता ही है। फिर एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट में भी कैपिटल गेंस आता है, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट मतलब बाटर सिस्टम, एक एसेट को दे के बदले में कोई दूसरा एसेट ले लिया तो एक्सचेंज होता है। सी सेल में तो क्या, एसेट को बेच के रोकड़ा मिलता है, लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है, एसेट को बेच के रोकड़े के बदले कोई दूसरा एसेट बदले में मिलता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट बोलती है बार्टर सिस्टम है तो क्या है, उसमें भी कैपिटल गेंस आएगा। लेकिन सी कैसे कैलकुलेट करना उसके ऊपर बाद में करेंगे, लेकिन अभी पढ़ना क्या है कि कब आएगा कैपिटल गेंस, तो सेल में आएगा, एक्सचेंज में आएगा। फिर एक होता है रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट, इसका मतलब हम लोग टाइम आने पे समझेंगे, अभी खाली सुन लो, रेलिंक्विशमेंट। फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन अ कैपिटल असेट, इसका भी मतलब टाइम आने पे बताऊंगा, रेलिंक्विशमेंट था, फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन अ कैपिटल असेट, फिर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, फिर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इन टू स्टॉक इन ट्रेड। सी एक्चुअली क्या होता है, ये सब चीज़ों का मीनिंग अभी नहीं बताने का होता है, मैं जब सेक्शन वाइज पढ़ाता हूँ ना तभी कोई ना कोई सेक्शन में कवर होता ही है, मतलब ये सब पॉइंट किसी ना किसी सेक्शन में कवर हो ही जाएंगे, इससे अभी इसका डिक्शनरी मीनिंग बता के टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि ये सब के ऊपर डिस्कशन होने वाला है कब, ये देखो मैंने बताया था ना हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ने वाले, तो सेक्शन वाइज जब चर्चा होगी तो सबका डिस्कशन होगा। अभी तुम लोग खाली इतना समझ लो ना कि कैपिटल गेंस खाली सेल तक ही सीमित नहीं है, देर आर 6 ट्रांजेक्शन्स, उसका कीवर्ड है सरक, और सरक में भी 2 है, तो मैं तो बच्चों को ऐसे बोला सरक टू, मैं क्यों सरकू, सरक टू। तो एस क्या था, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट और राइट्स इन अ कैपिटल असेट, कंपल्सरी एक्विजिशन और कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो ये ट्रांजेक्शन में कैपिटल गेंस आता है। तो सी ऐसे याद रखो ना, लुक हियर, अगर मिसेस जीएस सरकी ना तो उसको बोलना चाहिए सरक तू, तेरे सरकने से कुछ नहीं होता है, कैपिटल गेंस नहीं आता है, क्योंकि मिसेस जीएस कैपिटल असेट ही नहीं है। तो देखो मैंने क्या बोला, मिसेस जीएस के सरकने से कुछ नहीं होता है, उसको तो बोलना चाहिए सरक तू, तेरे सरकने से कुछ नहीं होगा, नो कैपिटल गेंस। लेकिन मिसेस जीएस के अलावा कोई और एसेट सरका तो उसके सरकने पे आता है कैपिटल गेंस,
और इधर सरकने का मतलब ट्रांसफर होना, ओके, बट ट्रांसफर होना इज मस्ट, वो भी क्या ट्रांसफर होना चाहिए, मिसेस जीएस के अलावा दूसरी चीज है। फिर मैंने क्या बोला, मिसेस जीएस के अलावा कोई दूसरे एसेट्स का सरकना चाहिए, लेकिन वो सरकना कितने टाइम में चाहिए, अगर 3 साल में सरका तो शॉर्ट टर्म होता है, 3 साल से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म होता है। अरे मतलब अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म कब होता है, अगर कोई एसेट 3 ईयर्स के अंदर ही ट्रांसफर हो गया तो शॉर्ट टर्म, 3 ईयर्स से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म, लेकिन कभी कभी 1 ईयर होता है। ये देखो 1 ईयर कब होता है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो 1 ईयर, ओके, लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इसमें 1 ईयर होता है, क्योंकि ये सब के क्या, रोज शेयर मार्केट में भाव आते हैं ना, तो शेयर मार्केट में भाव देख के बेचने का मन चलता है, तो कोई 1 ईयर से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता है, इससे गवर्नमेंट ने बोला 1 ईयर होल्ड करो, 1 ईयर होल्ड करोगे तो उसके बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म, एंड गवर्नमेंट चाहती है लोग लॉन्ग टर्म करे, क्योंकि शॉर्ट टर्म करके क्या है, पूरी इकोनॉमी की हालत खराब हो जाती है। शेयर मार्केट में लोग क्या है, फटाफट खरीद बेच करते हैं ना, तो अपना स्टॉक एक्सचेंज एकदम वॉलेटाइल हो जाता है, ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अपना स्टॉक एक्सचेंज कैसा होना चाहिए, स्टेबल, ऊपर जाना चाहिए एकदम, लेकिन वो कब होगा, जब सब लोग लॉन्ग टर्म करेंगे, इससे गवर्नमेंट चाहती है लोग लॉन्ग टर्म करे, इससे तो लॉन्ग टर्म को गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है। तुम लोग पूरे चैप्टर में देखोगे लॉन्ग टर्म को हमेशा गवर्नमेंट अच्छा ही ट्रीटमेंट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लॉन्ग टर्म करे लोग, और शॉर्ट टर्म से गवर्नमेंट को नफरत है। ये देखो मैंने इधर लिखा भी था, शॉर्ट टर्म को गवर्नमेंट डिस्करेज करती है, क्योंकि शेयर मार्केट में देखा ही है ना, लोग शेयर्स खरीदते फटाक से बेचते, तो अपने स्टॉक एक्सचेंज की हालत क्या हो जाती है, ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन वो गलत है ना, इसलिए गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म को डिस्करेज करने के लिए उसके लिए गंदे गंदे प्रोविजंस बनाई है, और लॉन्ग टर्म को एंकरेज करने के लिए अच्छे अच्छे प्रोविजंस बनाई है। ओके, तो सी हियर, तो शॉर्ट लॉन्ग के लिए कैसे डिसाइड करना है, 1 ईयर का रूल कब होगा, अगर लिस्टेड सिक्योरिटी हुआ, लिस्टेड सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस, इक्विटी, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन वो लिस्टेड होना, लिस्टेड मतलब जिसके स्टॉक मार्केट में प्राइस आते हैं। फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है मालूम है, म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो पब्लिक से पैसा लेके 65% इक्विटी में डालता है, पब्लिक से पैसा लेके मिनिमम 65% इक्विटी में डालता है, तो इसको बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ओके, ये देखो ड्राइंग देखो, म्यूचुअल फंड जो पब्लिक से पैसा लेके मिनिमम 65% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगा, तो इसको बोलेंगे ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। लेकिन सी, इक्विटी ओरिएंटेड के लिए एक और क्राइटेरिया है, कभी कभी क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड पब्लिक से पैसा तो ले लेती है लेकिन खुद स्टॉक मार्केट में डालती नहीं है, वो दूसरे म्यूचुअल फंड को दे देती है, फिर दूसरा म्यूचुअल फंड कहीं इन्वेस्ट करता है, तो ऐसा वाया वाया हुआ ना कि एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड को देगी, फिर दूसरी वाली म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगी, तो उसमें देखो ड्राइंग देख के समझ जाओ ना कि ये वाली म्यूचुअल फंड पब्लिक से जो पैसा लेगी ना वो मिनिमम 90% दूसरी म्यूचुअल फंड को देनी चाहिए, फिर वो दूसरी वाली म्यूचुअल फंड मिनिमम 90% इक्विटी में डालेगी, तब जाके इसको हम लोग बोलेंगे इन दोनों को इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। लेकिन सी, अगर डबल डबल म्यूचुअल फंड नहीं होता है, एक ही म्यूचुअल फंड है बिटवीन पब्लिक एंड स्टॉक मार्केट, तो 65% का रूल है, लेकिन ऐसे वाया वाया होता है ना, दो दो म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व है, तो 90% का रूल है। ओके, तो ये सीन याद कर लेना, तो ये क्या था, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, और ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि इन लोग के लिए 1 ईयर होता है, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अलावा कोई दूसरे टाइप की म्यूचुअल फंड हुई ना, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो उसमें 1 ईयर का रूल नहीं है, फिर उसमें 3 ईयर्स का रूल आ जाता है। ओके, लेकिन सी, कोई कोई एसेट में तो 2 ईयर्स का रूल होता है, किसमें, अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का 2 ईयर्स होता है, और अनलिस्टेड में शेयर्स, हाँ, अनलिस्टेड में दूसरी चीज नहीं, जैसे अनलिस्टेड डिवेंचर्स हो गया, अनलिस्टेड बॉन्ड्स हो गया, तो वो सब अदर्स में आएगा, तो इधर अनलिस्टेड क्या है, शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका 2 ईयर्स का रूल है, बाकी सब एसेट्स में 3 ईयर्स है। तो सी हियर, हम लोग का फ्लोचार्ट इधर पहुंचा है, सी, ये फ्लोचार्ट खत्म होगा ना, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं, अपना पार्ट 1 खत्म हो गया है। ओके, फिर सेक्शन वाइज चालू होगा। तो सी, फ्लोचार्ट में हम लोग कहाँ पहुंचे, व्हाट इज कैपिटल एसेट मैंने बता दिया, सब एसेट कैपिटल एसेट है मिसेस जीएस के अलावा, फिर कैपिटल एसेट के होने से कुछ नहीं होता है, उसको ट्रांसफर होना पड़ेगा, मतलब सरकना पड़ेगा,
फिर कैपिटल गेंस आता है, फिर वो विद इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हुआ तो शॉर्ट टर्म, और 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के ऊपर हुआ तो लॉन्ग टर्म। ऐसे इसमें ऐसा होता है ना, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के ऊपर एक दिन भी गया तो लॉन्ग टर्म। और गिनते कैसे बोलो, परचेज डेट टू ट्रांसफर डेट, कट टू कट, डेट टू डेट गिनना होता है। मतलब किस दिन एसेट को खरीदा था वो डेट पकड़ो, डेट तब से लेके उसको बेचा कब, ना नहीं बोलना चाहिए ट्रांसफर। इस चैप्टर में सेल मत बोलो, ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर एक ब्रॉड टर्म है, तो परचेज डेट से ट्रांसफर डेट मेजर करो, और अगर एग्जैक्ट 1, 2 या 3 ईयर आया तो शॉर्ट, एक दिन भी ऊपर हो गया तो लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म है तो मैंने बोला ना, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है अपने को। अब देखो कैपिटल गेंस कंप्यूट कैसे करना है, तो उसी उसका फॉर्मेट है। मैंने बताया हम लोग दो चीज पढ़ रहे हैं, व्हेन टू कंप्यूट कैपिटल गेंस एंड हाउ टू कंप्यूट। तो अभी हाउ टू कंप्यूट का देखो फॉर्मेट क्या है। ये देखो पहले शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट कैसे चालू होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, FVOC। व्हाट डू यू मीन बाय FVOC? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। सी इस चैप्टर में अपना एसेट जा रहा है, और अपना एसेट जा रहा है तो बदले में कुछ आ रहा है, तो जो बदले में आता है ना उससे चालू करो। क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जानना ये कि अपने को मिला क्या, कमाया क्या हमने। तो एसेट तो चला गया, लेकिन बदले में जो आया उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। और अगर मैं सेल के एंगल से सोचूं तो सेलिंग प्राइस, सेल करते एसेट जाता तो बदले में क्या आता, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस लिखनी होती इधर। और फुल वैल्यू क्यों बोलते हैं, फुल, फुल मतलब ग्रॉस, फुल का मतलब ग्रॉस। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग एसेट बेचते हैं तो बीच में कोई एजेंट होता है, कोई मिडलमैन होता है, उसको दलाली ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ता है, तो अपने को तो काट पीट के हाथ में थोड़ा नेट मिलता है ना। तो नेट नहीं, इधर गवर्नमेंट बोलती है ग्रॉस बता। हाँ, तेरा दलाली ब्रोकरेज में कुछ पैसा गया है तो उसको तो अलग से ये देख, ट्रांसफर एक्सपेंस में लेस कर दे, लेकिन शुरुआत में तुमको दिखाना है कि ग्रॉस कितना पैसा मिला है। तो फुल का मतलब होता है ग्रॉस। तो क्या बोलना चाहिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सिंपल लैंग्वेज है, सेलिंग प्राइस ही है बट वो ग्रॉस वाला। फिर ट्रांसफर एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह, मतलब एसेट को बिकवाने में अपना जो भी दलाली ब्रोकरेज लगता है वो लेस कर देंगे। फिर बाद में NC का मतलब है नेट कंसिडरेशन, काट पीट के जो नेट आया वो नेट कंसिडरेशन है, मतलब नेट सेल प्राइस है। लेकिन से अभी भी सेल प्राइस आया ना, सेल प्राइस को कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। फिर अभी अपने कॉस्ट माइनस करना है। सी इधर कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, कौवा एंड कौवी। व्हाट डू मीन बाय कौवा, कौवा शॉर्ट फॉर्म है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कौवी का मतलब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो जब मैं कौवा बोलूंगा मतलब समझ जाओ, कौवा इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कौवी का मतलब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, तो दो तरह की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो परचेज प्राइस होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, एसेट खरीदने के बाद उसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया होता है। जैसे मान लो मेरा घर था, घर मैंने खरीदा था, वो टाइम जो प्राइस पड़ा वो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन घर खरीदने के बाद वो दो माले का घर था, उस पर तीसरा माला बनाया, दो माले के घर पे तीसरा माला बनाया तो घर का साइज बड़ा हो गया, तो वो इम्प्रूवमेंट हो गया, तो वो भी कॉस्ट में आ जाता है। क्योंकि जब मैं घर बेचूंगा तो पूरा ही घर बेचूंगा ना इम्प्रूवमेंट के साथ। ओके, तो कॉस्ट दो टाइप की होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन इम्प्रूवमेंट हर एसेट में नहीं आता है, जैसे घर जैसा एसेट है उसमें आ सकता है, लेकिन बाकी हर एसेट में तो इम्प्रूवमेंट नहीं होती। जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूंगा, उसमें तो जो खरीदा वही कॉस्ट होती है, बाद में इम्प्रूवमेंट जैसा तो कुछ होता नहीं है ना। लेकिन लॉ क्या बोलता है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट है तो वो भी लेस कर दो। ओके, तो फॉर्मेट तैयार हो गया अपना, फुल वैल्यू कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट कंसिडरेशन, ये पूरा सेल प्राइस ही है, पहले ग्रॉस बाद में नेट कर दिया उसको। फिर माइनस दो कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, फिर माइनस करके क्या आएगा, सटक जी। सटक जी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का फॉर्मेट सेम ही है, थोड़ा चेंज किया है, जिधर मैंने कौवा लिखा था उसके बदले इंडेक्स कौवा, और जिधर मैंने कौवी लिखा था उसके बदले इंडेक्स कौवी। इंडेक्स करना मतलब उसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म मतलब क्या, बहुत पुराना एसेट है ना। अब इतने पुराने एसेट का कॉस्ट भी बहुत पुराना है, तो पुराने जमाने की कॉस्ट को अपने को नए जमाने में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए अपने इंडेक्स करेंगे। और इंडेक्स कैसे करते हैं, इसका भी फॉर्मूला सुनो, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर, नीचे परचेस। और ये इंडेक्स क्वेश्चन में दिया होगा, अरे इंडेक्स देते ही देखो ऐसा एक
इंडेक्स नंबर होता है ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। और इन्फ्लेशन क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म मतलब एसेट बहुत पुराना है और अभी महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ गई तो वो हिसाब से अपने को कॉस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा महंगे जमाने के हिसाब से। ओके, तो उसी क्वेश्चन में अगर कॉस्ट 5 लाख दिया है और अगर वो बहुत पुराना है, लॉन्ग टर्म मतलब पुराना एसेट है ना, तो उतनी पुरानी कॉस्ट को अपने को महंगाई के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए अपने को ये इंडेक्स नंबर यूज करने पड़ते हैं और क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर दिया होगा। ओके, अब देखो ये सब इंडेक्स नंबर तो पता है ना, 2001-2 का इंडेक्स 100 है, मतलब बेस ईयर है। एंड फिर इसका मतलब ही क्या होता है, जो चीज 100 रुपये में मिलती थी 2001 में, उसका भाव 105 हो गया, फिर उसका भाव 109 हो गया, आज वो चीज का भाव क्या है 348। इससे मालूम पड़ता है महंगाई बढ़ रही है। ओके, तो इसकी मदद से अपने को है ना, अपना जो कॉस्ट है ना उसको कन्वर्ट करना है इनटू इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। जैसे देखो ये मेरे एग्जांपल में कॉस्ट मैंने कब इंकर की थी, 2003-4। अब 2003-4 में इंडेक्स नंबर ये था और उस वक्त अपनी कॉस्ट ये थी, तो उसका आज क्या कॉस्ट होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आता है एंड फिर उसका एक फॉर्मूला ही डेवलप हो गया इधर देखो, और ये फॉर्मूला को मैं बच्चों को ऐसे याद करने को बोलता हूँ, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। ऊपर ट्रांसफर मतलब जिस ईयर में ट्रांसफर किया वो ईयर का इंडेक्स। जैसे ये देखो इधर ट्रांसफर कब किया है, 23-24, और 23-24 का इंडेक्स क्या है 348, तो मल्टीप्लाई बाय 348 आएगा, दिख रहे हैं, और डिवाइड बाय ईयर ऑफ परचेज, मतलब परचेज कब किया था 2003-4 में, और 3-4 का इंडेक्स क्या है 109, तो नीचे 109 आ जाएगा। तो ऊपर ट्रांसफर वाले ईयर का इंडेक्स, नीचे परचेज वाले ईयर का इंडेक्स। इसलिए पता है इसको गाने की तरह याद करो, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, मतलब ऊपर ट्रांसफर वाले ईयर का इंडेक्स और नीचे परचेज वाले ईयर का इंडेक्स। और ये इंडेक्स अपने को क्वेश्चन में देना ही पड़ेगा, दिए बिगर अपने को थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे, तुम लोग को हर साल के इंडेक्स याद आने चाहिए। ये बहुत सारे इंडेक्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2001-2 से लेके 23-24 तक हर साल का अलग इंडेक्स है, वो इन लोग देंगे। और इन लोग क्या फालतू में एक्स्ट्रा इंडेक्स भी दे देते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। जैसे इधर मुझे खाली 348 और 109 का जरूरत था ना, तो इन लोग एक्स्ट्रा भी इंडेक्स दे देते हैं। लेकिन अपने को एकदम कंफर्म रहना चाहिए कि फालतू इंडेक्स पे ध्यान मत दो, अपना गाना गा के याद रखो ना, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर वाले ईयर का आएगा, नीचे परचेज वाला ईयर। तो ये हो गया इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन। तो सी हियर, ये तो इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन था ना, अब बाद में कॉस्ट इंप्रूवमेंट भी तो होता है, उसका भी इंडेक्सेशन करना पड़ता है, उसके लिए भी फॉर्मूला है। और उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे इंप्रूवमेंट। फर्क इतना है खाली, इधर नीचे ईयर ऑफ परचेज को बेस लिया था ना, क्योंकि एक्विजिशन मतलब परचेस, और इधर इंप्रूवमेंट है तो नीचे ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। तो जैसे इस समय ऐसा बोला होगा कि 2005-06 में हमने 2 माले के घर पे एक तीसरा माला चढ़ा दिया, अब तीसरा माला चढ़ा दिया मतलब इंप्रूवमेंट आया ना, लेकिन वो कब आया, 2005-06 में, तो 2005-06 का इंडेक्स नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, मतलब फिर कैसे हो जाएगा, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ये वाले ईयर का इंडेक्स, नीचे ये वाले ईयर का इंडेक्स आएगा। इससे पता है लोग गलती क्या करते हैं, हमेशा न्यूमरेटर में 348 लिख देते हैं, 348 अपना लेटेस्ट इंडेक्स है, और लोग क्या अंधाधुन ऊपर 348 लिख देते हैं। लेकिन ऐसा मत करना, हमेशा ये गाने के हिसाब से आना, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज ना, तो ऊपर ट्रांसफर मतलब ईयर ऑफ ट्रांसफर चेक करना, 99% क्या होगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर 23-24 होगा, तो अपना 348 सेट हो जाएगा। लेकिन कोई कोई समय ऐसा होता है ना कि ट्रांसफर इन लोग का 23-24 में नहीं, कोई अलग ही ईयर में होता है, तो अपने से धोखा हो जाता है। अपने क्या इतने सम सॉल्व करके 348 न्यूमरेटर में लेने की आदत सही हो जाती है, लेकिन बी केयरफुल, अंधाधुन न्यूमरेटर में 348 मत लेना। कितने लोग ने तो यही रटा होता है कि जो भी कॉस्ट दिया होगा मल्टीप्लाई बाय 348 कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, मतलब मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ट्रांसफर वाले ईयर का इंडेक्स, और ट्रांसफर वाला ईयर क्वेश्चन में चेक करना, भले 99% सम में 23-24 ही होगा, लेकिन 1% सम में कोई
अलग ईयर आ गया ना तो बोल के नहीं आएगा, अचानक आ जाएगा, उस वक्त धोखा नहीं होना चाहिए। ओके, ये देखो क्या बात चल रही है। देखो मैं तुमको ये फॉर्मेट बता रहा था, तो पहले शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट बताया, फिर लॉन्ग टर्म का बता रहा था। और लॉन्ग टर्म में चेंज क्या था, जिधर हम लोग कौवा और कौवी को डायरेक्टली माइनस करते, इधर डायरेक्ट माइनस करना है कि इंडेक्स करके, इंडेक्स करके। और इंडेक्स का मैंने दो गाना बता दिया है, एक था कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेस, दूसरा था कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऊपर ट्रांसफर नीचे इंप्रूवमेंट। ओके, फिर सुनो, ये इंडेक्स भी है ना, इंडेक्स के लिए मैंने क्या बोला, ये ऐसा नंबर गवर्नमेंट, सॉरी ऐसा नंबर क्वेश्चन में दिया होगा ना, लेकिन है ना ये सब इंडेक्स गवर्नमेंट ने 2012 से चालू करके दिया है। ऑल दिस इंडेक्स गवर्नमेंट ने जो दिया है ना वो कब से दिया है, 2012, मतलब गवर्नमेंट ने 2012 को बेस ईयर पकड़ा है, कि मतलब इस ईयर को बेस रखते हुए महंगाई किस तरह से बढ़ रही है उसका इंडिकेटर है। मतलब जो चीज़ 100 में मिलती थी 2012 में, उसका आज भाव 348 हुआ है, मतलब 2012 को बेस पकड़ा है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में 2012 के पहले का ट्रांजेक्शन हुआ तो, अरे 2012 का है और उसके बाद का है तो अपने पास इंडेक्स नंबर है भी, लेकिन 2012 के पहले का हुआ तो क्या करना चाहिए। तो सी अगला पॉइंट क्या है, अगर परचेज 1/4 2001 के पहले हुआ तो क्या करेंगे। जैसे ये देखो, इस सब में क्या है, 96-97 में परचेज किया था, देखते हो जो दिखाता हूँ, 96-97 में परचेज किया था, और 96-97 का तो इंडेक्स है ही नहीं, गवर्नमेंट ने इंडेक्स कब से दिए, 2012 से, लेकिन मैंने तो 96-97 में परचेज किया था। और अभी अभी मैंने गाना कैसे गाया था, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, लेकिन नीचे परचेज वाला ईयर तो 96 है, उसका तो इंडेक्स ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अपने को 100 से काम चलाना चाहिए, क्योंकि अपने पास पुराने से पुराना इंडेक्स कौन सा है, 100, तो 100 से काम चलाएंगे। तो देखो इधर मैंने नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 100 चाहिए था मुझे 96-97 का इंडेक्स, लेकिन नहीं था तो किससे काम चलाया, 100 से, तो 100 आ गया। लेकिन सी चूंकि हम 100 वाला इंडेक्स ले रहे 1-2 वाले ईयर से, तो अपने को उस ईयर का मार्केट वैल्यू लेने का, फिर एक्चुअली तो मेरी कॉस्ट मैंने 96 में इंकर की थी ना, लेकिन 96 में कॉस्ट इंकर किया था लेकिन इंडेक्स तो नहीं है ना, तो अपने को इंडेक्स तो 2012 का लेना पड़ रहा है ना, तो अपने कॉस्ट भी 2012 का लेंगे। मतलब क्वेश्चन में ऐसा फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा, ऐसा बताएंगे 2012 में अगर वो एसेट खरीदा होता तो ये भाव में पड़ता, उसका मार्केट वैल्यू देंगे, कॉस्ट मान लेंगे, जबकि मेरी असल में कॉस्ट है ये वाली 96 वाली, लेकिन उस वक्त का इंडेक्स नहीं है, तो अपने इंडेक्स 2012 का लेते हैं, तो कॉस्ट भी 2012 का लेंगे। लेकिन सी ये मार्केट वैल्यू से मेरी एक्चुअल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लेंगे, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, मार्केट वैल्यू ले लो, लेकिन अगर तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट और ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ले लो, क्योंकि किसी का एक्चुअल कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा माइनस करने की इच्छा रखेगा ना, क्योंकि अपने माइनस करेंगे तो डिडक्शन मिलता है, टैक्स बचता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि मार्केट वैल्यू ले लो। और यूजुअली क्या, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या है 96-97 तो पुराना ज़माना हो गया ना, और मार्केट वैल्यू तो हम लोग 2001 की ले रहे हैं, और जैसे ज़माना बढ़ता है चीज़ें महंगी होती है, तो हमेशा यही अमाउंट ज़्यादा होगा, लेकिन बाई चांस अपना ओरिजिनल कॉस्ट ज़्यादा है तो वो ले लो। तो सी इसका एक फॉर्मूला है, एक्चुअल कॉस्ट और FMV एज ऑन 1/4 2001 विच इज हायर, ये कब करोगे बताओ, ऐसा अगर परचेज 1/4 2001 के पहले हुई तो, क्योंकि सी 2001 के बाद परचेज हुआ ना तो अपने पास हर साल का इंडेक्स है ना। सी प्रॉब्लम क्या है कि इंडेक्स नहीं होता पुराने सालों का, तब क्या करते, एक तो इंडेक्स पुराने साल का नहीं तो 100 से काम चला लिया, और कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट और FMV एज ऑन 1/4 2001 विच एवर इज हायर करेंगे। लेकिन सी इसमें भी रूल है, ये FMV किस दिन का लेते हैं हम लोग, 1/4 2001 का ना, लेकिन अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो देखो ऐसा करना पड़ता है, FMV और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विचर इज लोअर लेना पड़ता है, किस दिन का, 1 अप्रैल 2001 का, 1 अप्रैल 2001 का FMV, 1 अप्रैल 2001 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू,
दोनों में से जो लोअर है वो लेंगे, कहाँ पर, ये वाले में, फिर उसकी टक्कर एक्चुअल कॉस्ट से तो करनी पड़ेगी, फिर बाद में इन दोनों में से विचरित हायर करना पड़ेगा, ओके। लेकिन सी ये सब मगजमारी कब होगा, वेन एवर परचेज इज बिफोर 1/4/2001, ओके। सी अपने एग्जाम्पल सेल तो 23-24 में होगा ना, ये परचेज का बात हो रहा है। तो सी ये पॉइंट है ना, कितने लोगों को पता ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों 99% सब में क्या है, अपने FMV ले लेके सॉल्व करते आते हैं, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का सम वन खास करके ध्यान देना, इन लोग दो फिगर देंगे, FMV भी देंगे, SDV भी देंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो भी किस दिन की, 1 अप्रैल 2001 की। उन दोनों में से अपने को लोअर वाला फिगर पकड़ना है, फिर वो कंपेयर विद एक्चुअल कॉस्ट विच इज हायर। बट सी ये क्या था, परचेज बिफोर 1/4/2001, अगर इम्प्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 हुआ ना इम्प्रूवमेंट, तो इसको इग्नोर कर दो, 2001 के पहले कुछ इम्प्रूवमेंट किया है तो उसको इग्नोर करना। मतलब 2001 के पहले मैंने एक घर के ऊपर तीसरा माला बनाया था, चौथा माला बनाया था, फ्लोर बनाया था, तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट तुमने 2001 के पहले का किया इग्नोर कर दो, क्योंकि हम लोग वैसे भी 2001 की मार्केट वैल्यू ले रहे हैं ना, और 2001 की मार्केट, अरे 2001 की मार्केट वैल्यू ले रहे हैं ना, अब 2001 की मार्केट वैल्यू तो अपडेटेड है पूरी, और अपडेटेड मार्केट वैल्यू ले रहे हैं तो उसके पहले का इम्प्रूवमेंट भी इग्नोर कर दो। तो क्वेश्चन में कभी भी है ना, ये देखो इम्प्रूवमेंट दिया और उसकी डेट 1/4/2001 के पहले की, तो इग्नोर कर दो, ओके। ये देखो नोट 7 दिख रहा है ना, एक्चुअली तुमने नोटिस नहीं किया, मैंने बातों में तुमको 7 पॉइंट पढ़ा है, ये बताता हूँ, गिन के याद रखो तो समाप्त हो जाएगा बरा। ये देखो ये जो पार्ट वन चल रहा है ना अपना, पार्ट वन, इसके अंदर टोटल 7 पॉइंट मैंने पढ़ाए थे। पहला, व्हाट इज अ कैपिटल असेट, तो आंसर क्या है, मिसेस जीएस के अलावा सब कैपिटल असेट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा, ट्रांसफर मतलब क्या, तो ट्रांसफर मतलब खाली सेल होना चाहिए ऐसा नहीं है, देर आर 6 ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं ट्रांसफर, और उसका कीवर्ड था सरक टू, दो, ये सेकेंड पॉइंट था, दो नोट हुई। तीसरी नोट थी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड करते, तो कभी 1 ईयर से, कभी 2 ईयर से, कभी 3 ईयर से, ये तीसरी नोट थी। चौथी नोट थी इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालते, तो उसका मैंने गाना बताया था, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। फिर पांचवी नोट थी इंडेक्स कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट कैसे आता है, तो उसका भी गाना था, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे इम्प्रूवमेंट। फिर छठी नोट थी कि परचेज 2001 के पहले का हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि उस साल का इंडेक्स नहीं है, तो क्या करेंगे, जितने में भी खरीदा था एक्चुअल कॉस्ट या FMV विचर इज हायर को कॉस्ट मानेंगे, अगर परचेज 2001 के पहले का हुआ तो, और अगर इम्प्रूवमेंट 2001 के पहले का तो इग्नोर ही कर दो। तो ये सातवां पॉइंट था। इस तरह से अपना कैपिटल गेंस का बेसिक्स खत्म हो गया। अब इस बेसिक्स के बेसिस पे ना अपने को आगे चैप्टर को बढ़ाना है। अब आगे चैप्टर कैसे बढ़ेगा, सेक्शन वाइज आएगा। अब सेक्शन वाइज में सबसे पहला सेक्शन क्या है, 45(1), इधर 45(1), इधर मैंने क्या किया, इधर सारे सेक्शन जो अपने सिलेबस में इधर लिख दिए एक बार ही खाली, हाँ आगे बढ़ने के लिए एक सुनो ना, मैंने जो तुमको बेसिक्स बताया ना उसके बेसिस पे ये देखो सम कैसे सॉल्व करना चाहिए। खाली मैं तुमको सम का हुलिया बताना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन सॉल्व तो नहीं करने बैठ सकते, लेकिन तुमको प्रेजेंटेशन बताना है। पहले ऐसे हेडिंग लिखने का, कंप्यूटेशन और कैपिटल गेंस, कैपिटल लेटर्स में लिख दो कंप्यूटेशन और कैपिटल गेंस। और भले हम लोग सेलिंग प्राइस से शुरू करते, लेकिन कभी भी सेल प्राइस मत लिखना। क्या लिखोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ऐसा प्रॉपर लिखना। हाँ, ब्रैकेट में लिख देना सेल प्राइस। फिर लेस ट्रांसफर एक्सपेंस, में कुछ ब्रोकरेज वगैरह दिया है तो लिखो ट्रांसफर एक्सपेंस, फिर ब्रैकेट में लिख देना ब्रोकरेज कमीशन, फिर नेट कंसिडरेशन आ गया। एंड फिर उसके बाद लेस, हाँ सुनो, नेट कंसिडरेशन की बात है ना, मन में ख्याल आना चाहिए क्या ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला समवा ना तो हम लोग इंडेक्स विंडेक्स नहीं करेंगे, जो कॉस्ट है वो ही लिख लेंगे, और इम्प्रूवमेंट में भी जो कॉस्ट है वो लिख लेंगे, इंडेक्स नहीं करेंगे अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो, मतलब वो चेक करना पड़ता है इस वक्त, और अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कौवा, इंडेक्स कौवी। एंड फिर उसका वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं है, इधर ही प्रेजेंटेशन बता देना चाहिए। और सी इधर मैंने ऐसा विचरित हायर क्यों किया हूं मैं, क्योंकि ये जो सम है ना, मैंने सम नहीं दिखाया तुमको, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, इस सम में परचेस 94-95 का देखो,
अब 94-95 का परचेज मतलब 14-2001 के पहले का है, तो मैंने इधर प्रेजेंटेशन कैसा किया देखो, 20,000 क्या हो गया मतलब एक्चुअल कॉस्ट, और 110,000 क्या एफएमवी एज ऑन 14-2001, उन दोनों में से विचर इज हायर लेना है। तो ये देखो विचर इज हायर का मैंने सिंबल बनाया है, दिख रहा है एरो बनाया ऊपर, एंड फिर जो हायर होगा ना उसको बॉक्स में डाल दो, एंड फिर इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, और ऐसे बाजू में लिख देना चाहिए ट्रांसफर वाला ईयर है और ये परचेज वाला ईयर है, और हो सके तो ईयर भी लिख दो तो अच्छा रहेगा अपने लिए कि ये ट्रांसफर कब हुआ था 23-24, वो क्वेश्चन में देखना पड़ता है। और परचेज 94-95 का है लेकिन इंडेक्स 94-95 का नहीं है तो 2001-2, खैर इतना ईयर डिटेल में नहीं लिखा चलता है, मेन तो अपने को नंबर बड़ा सिलेक्ट करना है, बट फिर भी ये बाजू में डिटेल्स लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे इंप्रूवमेंट, तो ऐसा बाजू में लिख देना चाहिए। सी ये लिख देते हैं ना तो अपना क्या कभी सिली मिस्टेक नहीं होती है, और इस तरह से यर लिख के करोगे तो राइट जाएगा, क्योंकि सी कैपिटल गेंस में इतना सा ही फॉर्मेट है, फिर भी लोगों के लफड़े कहाँ होते हैं इंडेक्स में, तभी तो मैंने समय दिखा दिया, अरे यही फॉर्मेट इसके बाहर कुछ है ही नहीं चैप्टर में, इतना ही फॉर्मेट है, लेकिन फिर भी सब गड़बड़ कहाँ होती है इंडेक्स सिलेक्ट करने में। इससे सी इंडेक्स का ये जो इलाका है ना एकदम नीटली केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि सी ये किसी का रॉन्ग नहीं आएगा, ये किसी का रॉन्ग नहीं जाएगा, ये भी सब राइट जाएगा, सब गड़बड़ ये इंडेक्स में होने वाला है। तो वही चीज़ मैं तुमको दिखाना चाह रहा था कि सिस्टमेटिकली ऐसे प्रेजेंट करो, है ना, इधर लिखो ट्रांसफर, इधर परचेज, और इम्प्रूवमेंट में ट्रांसफर इम्प्रूवमेंट, और यर भी लिख दो, मैं तो बोल रहा हूँ यार अगर लिखने का रहेगा तो अपने आप सिली मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी। ओके, ये हो गया। फिर अब देखो सेक्शन वाइज पढ़ना है ना अपने को, अपने सिलेबस में इतने सेक्शंस है, ये सेक्शन अपने को कवर करने हैं। तो पहला सेक्शन क्या लाइन में, पहला सेक्शन है सेक्शन 45(1). सी 45(1) में अपने को क्या पढ़ना है, बेसिस ऑफ चार्ज एंड ईयर ऑफ चार्ज, मतलब बेसिस मतलब ऑन व्हाट बेसिस गवर्नमेंट टैक्स मारेगी। तो उसके लिए तो मैंने बता ही दिया था, कभी भी तुम्हारे पास कैपिटल असेट है एंड फिर अगर तुम उसको ट्रांसफर करोगे तो डैट इज द बेसिस टू चार्ज यू। बोलते हैं ना बेसिस क्या है चार्ज करने का, तो बेसिस गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारे पास कैपिटल असेट है ना भाई, आपने उसको ट्रांसफर किया ना तो कैपिटल गेन आया ना, सो डैट इज द बेसिस टू चार्ज यू। तो सी ये तो बेसिस ऑफ चार्ज हुआ, लेकिन ईयर ऑफ चार्ज भी पढ़ना है, मतलब किस ईयर में गवर्नमेंट टैक्स मारेगी। तो सी उसका एक रूल है, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ ना उस ईयर में ही टैक्स आता है, मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है तेरे को पैसे कब मिले वो हम नहीं देखेंगे, एक बार तेरा एसेट चला गया ट्रांसफर हो गया तेरे को तुरंत टैक्स भरना है। कोई बोले एसेट चला गया तो क्या पैसा तो मिला ही नहीं है, अभी तक सेल प्राइस आउटस्टैंडिंग है, तो सी पैसा नहीं मिला तेरी प्रॉब्लम है, तेरे को कोई पैसों के लिए रखड़ा रहा है तू रखड़, हम लोग क्यों रखड़े, हमको तो एसेट के ट्रांसफर होते ही तुरंत टैक्स चाहिए, मतलब टैक्स इज ऑन अक्रूअल बेसिस के रिसीट बेसिस, अक्रूअल बेसिस मतलब एसेट का ट्रांसफर होते ही तुरंत टैक्स भर दो, पैसे मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो वेट कर, हम नहीं वेट करेंगे, हमको तो एसेट का ट्रांसफर होते ही टैक्स चाहिए। तो सी ये दिमाग में छाप लो अच्छी तरह से, ईयर ऑफ टैक्स इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर, लेकिन सी इसमें चार एक्सेप्शन है, चार केस में क्या होता है टैक्स रिसीट बेसिस पे आएगा। सीसीडीजे नाम के चार एक्सेप्शन है, इसमें टैक्स आता है रिसीट बेसिस पे, मतलब इधर अपना एसेट ट्रांसफर भी हो गया ना टैक्स तुरंत नहीं आएगा, जब हाथ में रोकड़ा आएगा ना तब टैक्स भरना पड़ता है। तो ऐसा कब होता है सीसीडीजे में, सी रेगुलर लेक्चर में तो क्या है मैं सीसीडीजे का फुल फॉर्म इस वक्त बताता नहीं हूँ, लेकिन बिकॉज ये रिवीजन लेक्चर है तुमको थोड़ा आइडिया पहले से है तो सीसीडीजे का फुल फॉर्म सुन लो, अभी बता देता हूँ। एक सी है कंपल्सरी एक्विजिशन, मीन्स गवर्नमेंट अगर अपना प्रॉपर्टी कंपल्सरी अक्वायर करती है तो उसका टैक्स रिसीट बेसिस पे आता है। फिर दूसरा सी कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इधर भी रिसीट बेसिस पे टैक्स आता है, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे, खाली बता के रख रहा हूँ खाली अभी। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट, इधर भी टैक्स कब आता है रिसीट बेसिस पे। फिर एक होता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये सब आगे डिस्कशन में आएगा लेकिन अभी से याद करके रख लो, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इन स्टॉक इन ट्रेड, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये सब में टैक्स आएगा एक्चुअल रिसीट बेसिस पे, लेकिन बाकी सब में क्या होगा जब ट्रांसफर किया तभी टैक्स आ जाता है ऑन अक्रूअल बेसिस। तो सेक्शन 45(1) हो गया। फिर देखो अगला सेक्शन, अगला सेक्शन क्या 45(1) है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट,
पता है कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय होता है ना और उसमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। अरे इमेजिन मेरा कैपिटल असेट जल के राख हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है एसेट के डिस्ट्रक्शन पे, तो एक्चुअली उस पर कैपिटल गेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि सी कैपिटल गेंस की कंडीशन क्या है, कैपिटल असेट होना चाहिए फिर ट्रांसफर होना चाहिए तो कैपिटल गेंस आता है। और एक्चुअली डिस्ट्रक्शन इज नॉट अ ट्रांसफर, क्यों, एसेट तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। सी ट्रांसफर मतलब क्या है, एसेट जिंदा रहना चाहिए खाली उसका ओनर बदलना चाहिए। ट्रांसफर का एक्चुअल मतलब क्या है, चेंज इन ओनरशिप, अपनी चीज पराई हो जानी चाहिए, लेकिन वो चीज तो जिंदा रहनी चाहिए, लेकिन वो चीज ही जल के राख हो गई तो वो ना अपनी रही ना किसी और की रही, तो उसको ट्रांसफर ही नहीं बोलते। तो टेक्निकली स्पीकिंग डिस्ट्रक्शन में एसेट ही जल के राख हो चुका है अगर, तो उसको ट्रांसफर बोल ही नहीं सकते, और ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेंस नहीं आना चाहिए, क्यों, गवर्नमेंट का कंडीशन क्या, ट्रांसफर हुआ तो ही कैपिटल गेंस आता है, देन ओनली गवर्नमेंट एज अ बेसिस टू चार्ज यू। ये देखो बेसिस ऑफ चार्ज था ना, तो ट्रांसफर होता है देन ओनली गवर्नमेंट एज अ बेसिस टू चार्ज यू, लेकिन डिस्ट्रक्शन इज नॉट अ ट्रांसफर तो गवर्नमेंट डज नॉट हैव द बेसिस टू चार्ज यू, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रक्शन को एक्सेप्शन बना के रखा है। गवर्नमेंट बोलती है हाँ पता है डिस्ट्रक्शन ट्रांसफर नहीं है, उसमें कैपिटल गेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन हम उसमें भी कैपिटल गेंस कंप्यूट करवाएंगे, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि एसेट के डिस्ट्रॉय होने पे इंश्योरेंस कंपनी से अच्छा खासा क्लेम मिलता है, लोग बाग उसमें भी कमा लेते हैं, और जहाँ कमाने का पॉसिबिलिटी है तो हमको टैक्स का भी पॉसिबिलिटी दिखता है, तो हम तो टैक्स मारेंगे। माना कि टेक्निकली वो ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन बना के रखा है। देखो लुक कि डिस्ट्रक्शन भले ही वो ट्रांसफर नहीं है, लेकिन उसमें हमको कैपिटल गेन का टैक्स चाहिए। और पता है इसका कैपिटल गेन कैसे आएगा, जल्दी देखना फॉर्मेट, देखो मैंने लिखा है डिस्ट्रक्शन में क्या है, सेलिंग प्राइस तो नहीं हो सकती ना, सी अगर बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस से शुरू करते हैं, लेकिन इधर मैंने किससे शुरू किया है, इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि एसेट डिस्ट्रॉय होने पर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है, तो इसका फुल फॉर्म बोलो, कोई ढंग से फुल फॉर्म भी नहीं बोलता इसका, FVOC क्या होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इधर आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम, फिर बाकी सब नॉर्मल है, ट्रांसफर एक्सपेंस है, नेट कंसिडरेशन, फिर शॉर्ट टर्म है तो कौवा, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कौवा, फिर शॉर्ट टर्म है तो कौवी, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कौवी, फिर आंसर सटक जी लटक जी एज यूजल, खाली सेलिंग प्राइस के बोले इंश्योरेंस क्लेम से चालू होगा। लेकिन सी इसमें भी रूल है, अगर नरफे डिस्ट्रक्शन हुआ तो ही, नरफे डिस्ट्रक्शन में ही कैपिटल गेंस आता है। नरफे का फुल फॉर्म क्या अनुमे, नेचुरल कलैमिटीज, अर्थक्वेक सुनामी वगैरह आता है ना, वो नेचुरल कलैमिटीज, फिर रायट्स दंगा फसाद होता है, फिर फायर, एफ फॉर फायर, ई फॉर एनिमी अटैक, टेररिस्ट लोग ताज होटल में आके कैसे कब्जा कर दिए थे, तो टेररिस्ट का कभी अटैक होता है, कोई दूसरी कंट्री से वॉर होता है तो एनिमी अटैक होता है, तो क्या क्या था नरफे में बताओ, नेचुरल कैलामिटीज, रायट्स, फायर, एक्सप्लोजन और एनिमी अटैक। खाली ऐसे डिस्ट्रक्शन हुए ना जो एकदम जेन्यून है, ऐसे जेन्यून डिस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट बोलती है कैलकुलेशन हो गए, बाकी डिस्ट्रक्शन में क्या है, कोई झूठ भी बोल सकता है ना, और झूठ बोल के कोई झूठ मोड़ का लॉस बता देवे तो बोलेगा हमारा एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी नहीं मिला, हमारा नुकसान हो गया, झूठा मोटा लॉस बता सकते हैं, लेकिन ये वाले डिस्ट्रक्शन में झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है। इससे गवर्नमेंट ने बोला नरफे डिस्ट्रक्शन में कैलकुलेशन होगी, और कैलकुलेशन में प्रॉफिट आया तो टैक्स भरो, लॉस आया तो सेट ऑफ कर लो, मतलब इधर लॉस आया तो लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट आया तो टैक्स भर दो, और खाली ऐसे में ही करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन गवर्नमेंट बिलीव कर सकती है। क्या कहता, नेचुरल कैलामिटीज, रायट, फायर और एनिमी अटैक। और पता है इसका टैक्स कब आता है, रिसीट बेसिस पे, CCDJ था ना, मतलब अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो गया ना, एक्चुअली तो टैक्स तुरंत आना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रॉय होते ही तुरंत नहीं आता है, जब इंश्योरेंस कंपनी से रोकड़ा आता है ना तभी टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, लेकिन अदर डिस्ट्रक्शन हुए तो नरफे के अलावा अदर डिस्ट्रक्शन में कैपिटल गेंस कंप्यूट ही नहीं होता है, खाली नरफे डिस्ट्रक्शन में कंप्यूटेशन करने का। अदर डिस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, माहौल बना है ना, एक नोट लिख के आ जाओ कि कैपिटल गेंस विल नॉट बी कंप्यूटेड बिकॉज डिस्ट्रक्शन इज नॉट अकाउंट नॉट ऑन अकाउंट ऑफ नरफे, तो कैपिटल गेंस कंप्यूट नहीं होगा, नोट लिख के आ जाना चाहिए। ओके,
तो ये 45 1A हो गया, लेकिन सी इधर लफड़ा क्या होगा लो, ये देखो, ये देखो मैं कुछ बता रहा हूँ देखना। अगर मैंने एक एसेट 2002-03 में खरीदा था, फिर 2018-19 में डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला 23-24 में, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, तो टैक्स कभी आएगा? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कभी मिला है? 23-24 ना, तो टैक्स तो तभी आएगा। लेकिन इंडेक्स कैसे करेंगे? लॉन्ग टर्म है ना, अरे लॉन्ग टर्म है कि नहीं? लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कब मिला मत देखो, एसेट की उम्र देखो, एसेट की उम्र इतनी सी थी, 2002-03 में परचेज हुआ था एंड फिर 18-19 में तो डिस्ट्रॉय भी हो गया। अब पैसा लेट मिला लेकिन उससे थोड़ी एसेट का उम्र बढ़ जाएगा, शॉर्ट और लॉन्ग तो एसेट का उम्र है और एसेट तो डिस्ट्रॉय होते उसकी उम्र खत्म ना, तो शॉर्ट है कि लॉन्ग है? 2002-03 से लेके 18-19 तो ये लॉन्ग टर्म है। ओके, तो इंडेक्स कैसे करते? कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, तो ऊपर 18-19 का इंडेक्स आएगा डिस्ट्रक्शन वाला ईयर और नीचे परचेज वाला ईयर। लोग क्या करते, इंडेक्स भी रिसीट वाले ईयर का ले लेते। सी टैक्स बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने बोला रिसीट बेसिस पे भरो, लेकिन वो टैक्स बढ़ने के लिए, इंडेक्सेशन का गाना अपना अटल है। अपना इंडेक्स का गाना कैसे गाया था मैंने, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, तो ऊपर तो जैसे ही ट्रांसफर हो गया उस ईयर का आता है और इधर ट्रांसफर मतलब डिस्ट्रॉय होते ही ट्रांसफर हो गया, तो डिस्ट्रक्शन ईयर ऊपर आएगा। सी ये जो CCDJ मैंने बताया ना, ये CCDJ में ना हमेशा बच्चों की गड़बड़ होती है, क्यों मालूम है? क्योंकि CCDJ वाले सम्स में ना टैक्स आता है रिसीट बेसिस पे, लेकिन इंडेक्स रिसीट बेसिस पे नहीं आता, ट्रांसफर बेसिस पे आता है। अरे ट्रांसफर बेसिस मतलब न्यूमरेटर में जो इंडेक्स आता है ना वो ट्रांसफर वाले ईयर का आता है। सी CCDJ में क्यों वॉर्न कर रहा हूं, क्योंकि सी बाकी नॉर्मल केस में तो क्या है, जिस ईयर में ट्रांसफर होता है वो ईयर में टैक्स आता है ना, तो इंडेक्स भी हम लोग ट्रांसफर वाले ईयर का लेते और टैक्स भी हम लोग ट्रांसफर वाले ईयर में भरते, तो गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन CCDJ में क्या है, टैक्स ट्रांसफर वाले ईयर में नहीं है ना, रिसीट वाले ईयर में, लेकिन वो टैक्स के लिए ही खाली रिसीट वाला ईयर है। इंडेक्सेशन में रिसीट वाले ईयर का इंडेक्स मत लेना, इंडेक्स कैसे करना है, ऊपर ट्रांसफर वाला ईयर नीचे परचेज वाला। तो टेल मी ये वाले केस में क्या होना चाहिए, मैंने बताया था ना 2002-03 में एसेट परचेज किया था और 2018-19 में एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, तो इंडेक्स कैसे करेंगे, ऊपर 18-19 नीचे 2-3 का, और पैसा भले 2023-24 में मिला है तो ठीक है, टैक्स 23-24 में भरेंगे, लेकिन इंडेक्सेशन परचेज और ट्रांसफर डेट की मदद से होता है। ओके, तो ये केयरफुल रहना, और खास करके CCDJ के सब में इंडेक्स का लफड़ा होता ही है। ओके, फिर ये 45 1A हो गया, फिर अगला देखो सेक्शन, सेक्शन 45 2, दिस इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मींस एक कैपिटल एसेट था उसको हमने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो सुनो मेरे एग्जाम्पल से 2 मिनट में खत्म हो जाए, देखो ना स्क्रीन पर मत देखना, मेरा एग्जाम्पल फील करो। मान लो मैंने कुछ है ना, ये दो ज्वेलरी है, कुछ ज्वेलरी परचेस किया था एक इन्वेस्टमेंट के मोटिव से, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा था तो मैंने क्या कर सोचा, चलो सोना चांदी गहने खरीद लेता हूँ क्योंकि ज्वेलरी का भाव बढ़ता है ना, तो मैंने ज्वेलरी परचेस किया इन्वेस्टमेंट के इरादे से और उसको मैंने अपने घर में तिजोरी में रखा था एंड फिर घर में पड़ी थी ज्वेलरी। फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने ज्वेलरी का शॉप चालू कर दिया, ज्वेलरी का दुकान ही चालू कर दिया और दुकान का नाम रख दिया प्राइम ज्वेल्स। अब ज्वेलरी की शॉप खोला ना तो मैंने क्या सोचा, यार मेरे घर पे भी जेवर पड़े हैं, उसको भी घर पे संभाल के क्या करूँगा, उसको भी बेच देता हूँ। तो घर वाले जेवर को मैं दुकान में लेके आ गया, घर वाले जेवर को मैं दुकान में लाया, मतलब पता है क्या हो गया, घर में पड़े पड़े जेवरों को लोग बोलते थे कैपिटल एसेट, और जैसे ही दुकान में आ गया स्टॉक इन ट्रेड बन गया। और मैं दुकान में क्यों लाया, क्योंकि मुझे बेचने का मन होगा। सी अगर मेरे घर वाले जेवरों को मुझे बेचने का मन नहीं होता तो घर में जो जेवर पड़े घर में रहने देता,
लेकिन हो सकता है मैंने सोचा अब तो मेरी जेवरों की दुकान है, अब तो मैं जेवरों में रोज खेलूंगा, तो मुझे जो घर में जेवर पड़े उसको कोई संभालने का शौक नहीं है, चलो उसको दुकान में रख देते। और दुकान में रखा मतलब वो कैपिटल से स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। फील करो कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और मेरे एग्जाम्पल है ज्वेलरी वॉज अ कैपिटल असेट अप टिल द टाइम वेन इट वॉज एट माई होम, पर जैसे ही घर से मैं उसको दुकान में लाया, दुकान में तो पड़ा हुआ सब स्टॉक क्या होता है स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। फिर उसको मैंने बेचा, दुकान में लाया क्यों था, बेचने के इरादे से फिर उसको बेचा, तब इसमें कैपिटल गेन्स थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग क्या होता है बताता हूँ, लेकिन पहले ये देखो, ये तीन केस देखो फिर ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये देखना, कभी भी हम लोग कैपिटल असेट बेचते तो कैपिटल गेन्स आता है ना, हाँ बोल, और गुड्स बेचते तो क्या आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन मेरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, मैंने कैपिटल असेट बेचा कि गुड्स बेचा कि कैपिटल असेट को गुड्स में कन्वर्ट करके बेचा, कैपिटल असेट को गुड्स में कन्वर्ट करके बेचा। मेरे जेवर तो कैपिटल असेट थे, घर में पड़े थे, फिर उसको गुड्स में कन्वर्ट करके फिर बेचा। तो ऐसे में ना इनकम पार्टली कैपिटल गेन पार्टली इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है। तो सी ये तीन इक्वेशन से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ शुरुआत से ही कैपिटल असेट है और उसको ऑफिसर का वैल्यू भी दिया है